आपके बीच और ठीक हो सारे राजू से आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ अरे सारे राजू खुशी ठीक हो आ जाओ देखो सारे ध्यान से सुनो दो मिनट सारे ध्यान से सुनो एक बार एक तो आप बीच में इसलिए आए हो आप मैंने पिछाड़ने लग जाए कल न कान मरोड़न की हिम्मत हो जाए अपना सापन आवेगा नहीं तो दूर दूर शर्माते हाथ जोड़ते रहेंगे तो फिर बाद में भी हाथ जोड़ते रहेंगे काम हमारे कोई करा ही नहीं आप वोट दे के इतनी भारी मतों से जिताओगे मेरे को पता है मेरे परिवार के लोग हर गांव में ऐसे महिला इकट्ठी हो जाती तो आप भी पहचानने लग जाओ चेहरे मेरे भी मोटे मोटे याद रह जाएंगे थोड़ी बता दोगे ना तो फिर कान मरोड़ के ताकि वो जीता तो कान मरोड़ का आप काम करवा लो और मेरे परिवार में भी कोई राजनीति में नहीं रहा आज तक मैं भी एक गरीब मजदूर किसान का ही बेटा हूँ आप पता कर लेना भैंस नुआ करता भैंस चराता हुआ गांव के स्कूल में पढ़कर और अपनी ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस इकट्ठी करके मुश्किल से गुजारा करके बड़ा अधिकारी बना था इब सारे पार्टी वाले नहीं सोचे कदे यू पढ़ा लिखा गरीब का बेटा यू बड़ा बन गया अरे पागल आदमी है जुनूनी आदमी है जब इतने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ा है तो असली में इनके लिए काम कर देगा तो हमारे से बड़ा नेता बन जाएगा तो आप लोगों ने ये मौका चुकना नहीं है नहीं तो आगे अपन मौका कोई नहीं देगा बड़ी मुश्किल से भगवान ने दिया है मैंने तो सारी समस्या देखी हुई है सिर पर रोटे लाए हो रहे पापा तो मेरे एक्सपायर हो रहे हैं माँ माँ है भाई है समझ रहे हो ना आप लोग और कोई राजनीति में नहीं है पहली बार आए हैं लेकिन उनको डर है कि पढ़ा लिखा आ गया अरे जुनूनी आदमी है जैसे नौकरी छोड़ कर आया तो उनका डर होगा ये सच में काम करेगा ना तो इतना बड़ा लालच की नौकरी छोड़ देनी इतनी बड़ी डिप्टी कमिश्नर का अगर ये काम सच में बनेगा काम कर दिए तो हमारे से बड़ा नेता बन जाएगा तो इसलिए मौका चुकना ना आप सब लोग इस बार जो नजदीक से जिसका रगड़ा ला के बड़ा अधिकारी बना था सामर्थ्य आ गया तो मैंने दे रहा है हमारी के दिक्कत है पढ़ने वाले और भाई बहना ने कितनी मुश्किल से मैंने पता है दस पिसिया में ब्रेड खा के भी एक दिन रोटी खा के भी हॉस्टल में गुजारा करा था 95 में बाढ़ आई थी 10 पिसिया के ब्रेड लिया था और कुछ उधारे रह गए थे तो वो टाइम देखा हुआ चिंता ना करो मौका ना चुकियो फिर आप कोई कमी नहीं रहेंगे थारे बीच में बार बार मिलने आया करूंगा पांच साल में 1825 दिन होते हैं 72 गांव 25-25 दिन ऐसे हर गांव बांट लिया करेंगे सारे बारी बारी से सारा में बैठ के थारे से मिलने आया करेंगे यही बैठे बैठे अधिकारी भी दारी ले आओगे इसे काम करवा के जाया करेंगे ठीक है जी बहुत बहुत